सोनभद्र नरसंहार का दिल दहला देने वाले कई वीडियो अब सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हो रहे हैं। आपको बता दें कि घटना के करीब एक हफ्ते बाद आए इस वीडियो में दिख रहा है कि उस दिन कैसे आदिवासी किसानों पर हमला किया गया था और ताबड़तोड़ फायरिंग की गई थी। इनमें से एक वीडियो उस नरसंहार की शुरुआत का है जब कथित रूप से गांव के प्रमुख ने कुछ किसानों पर फायरिंग की थी। इसमें साफ दिखाई दे रहा है कि बड़ी संख्या में लोग लाठी डंडों से ग्रामीणों को पीट रहे हैं। गोली लगने से गिरे लोगों को भी पीटा जा रहा है। इस दौरान चीख पुकार मची हुई है, ग्रामीण दहशत में है। एक और वीडियो में साफ दिख रहा है कि आरोपियों को फरार होने के बाद घटनास्थल पर जमीन पर पड़े घायल लोगों के साथ ही खून से लथपथ लाशें भी पड़ी है। इन वीडियो को घटना के बाद वक्त स्थानीय लोगों ने बनाया था जो कि अब सामने आए हैं। ये मामला यूपी के सोनभद्र में घेरावल थाना क्षेत्र के उम्बा गांव का है। गांव में जमीन को लेकर हुए विवाद में 17 जुलाई को करीब 10 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसमें कई अन्य लोग घायल हो गए थे। किसानों ने 36 एकड़ जमीन देने से इनकार कर दिया था जिस पर वह पीढ़ियों से खेती करते नजर आ रहे थे। इस मामले में 29 गिरफ्तारी हुई है। कई अन्य लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है और जिले में 2 महीने तक धारा 144 लगा दी गई है। एक वीडियो में दिख रहा है कि एक गांव के पास कई ट्रैक्टर खड़े हैं जहां हत्या हुई थी, तो वहीं दूसरे वीडियो में दिख रहा है कि हाथों में डंडे लिए बड़ी संख्या में लोग ग्रामीणों को पीट रहे हैं। इसी बीच फायरिंग की आवाज भी सुनाई देती है। एक आदमी को जमीन पर गिरते भी देखा जा सकता है। वीडियो में एक महिला की आवाज पुलिस बुलाओ की चीख भी सुनाई देती है। इस घटना के बाद ऐसी रिपोर्ट आई है कि एक पक्ष की ओर से करीब आधे घंटे तक फायरिंग होती रही। बता दें कि सैकड़ों लोगों के साथ आए ग्राम प्रमुख ने ट्रैक्टरों से खेत की जबरन जुताई करवाने लगा। ग्रामीणों ने विरोध किया तो ग्राम प्रमुख के समर्थकों ने उन पर कथित रूप से हमला कर दिया। स्थानीय लोगों के मुताबिक इस दौरान हमलावरों ने सामने आने वाले ग्रामीणों को गंडासे से काट डाला। सैकड़ों राउंड फायरिंग हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।